रिस्क मतलब होता है कि हमें प्रोबेबिलिटी हो लॉसेस की और इनएडिक्वेट प्रॉफिट की अनसर्टेनिटी या किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के कारण जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं हो, मतलब जो हमें लॉस हो या हमने जितना प्रॉफिट सोचा है उतना नहीं हो। ठीक है, अब नेचर क्या होते हैं, जैसे इसका होता है बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी के कारण आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने जो चीज़ फ्यूचर में नहीं सोची थी कि ये होगी लेकिन वो हो जाती है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाती है, डिमांड के अंदर चेंज आ जाता है, तो ये बिजनेस रिस्क जो होते हैं वो ज़्यादातर अनसर्टेनिटी के कारण होते हैं। रिस्क जो होते हैं वो असेंशियल पार्ट होते हैं सारे बिजनेस के, क्योंकि रिस्क जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बिजनेस का, और कोई भी जो बिजनेस है वो अवॉइड नहीं कर सकता रिस्क को। हालांकि जो हो सकता है कि डिग्री अलग अलग हो रिस्क की, लेकिन रिस्क तो हमेशा रहेगा, रिस्क को हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते, केवल रिस्क को हम कम कर सकते हैं। डिग्री ऑफ रिस्क जो होती है वो हमेशा मेनली साइज एंड नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा बड़ा आपके बिजनेस होगा उतना ही ज़्यादा आपके रिस्क उनकी पॉसिबिलिटी रहेगी, और जितना छोटा बिजनेस होगा उतनी कम पॉसिबिलिटी रहेगी। उसके बाद होता है प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क, जितना ज़्यादा हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, या कैसे कमा सकते हैं, जितना बड़ा हम रिस्क लेते हैं, और ये बात भी हमने बहुत टाइम से सुनी है, नो रिस्क नो गेन, ये तो हमने सुना ही है। फिर आप ये ऐसा भी दिखा के, पहले आप ये बना के ऐसा बना के, एंड देन अगर आप ये पॉइंट्स लिखते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।